हेलो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कि चिकन करी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और ये चावल, रोटी या नान सबके साथ अच्छी लगती है। मेरी फैमिली में तो ये चावल के साथ बहुत ही फेमस है। आज मैं इसे पंजाबी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक डीप बॉटम पैन ले लेते हैं, जिसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। फिर इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि दालचीनी, तेजपत्ता, बड़ी इलायची। इसे हम हल्का सा सौटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। मसाले ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, ये जैसे जैसे करी में भुनेंगे अपना फ्लेवर छोड़ते जाएंगे। ज़ीरा तड़कते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। हमने इसमें प्याज डाल दिए। प्याजों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे, ज़्यादा जलाने नहीं है प्याज, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक पकाने हैं। हम इसे बराबर के इंटरवल्स में चलाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लग जाए। जितना हमारा मसाला अच्छा भुना होगा, उतना ही ग्रेवी का टेस्ट अच्छा आता है। देखिए, हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इससे ज़्यादा ना भुने इसे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 1 ही चम्मच जिंजर पेस्ट आप ऐड कर दीजिए और इसे थोड़ा सा चला लें और भून लें, ताकि इनका कच्चा टेस्ट निकल जाए और ये प्याजों के साथ भुन जाए। फिर हम गैस को स्लो कर देंगे और इसमें मसाले ऐड करेंगे। गैस को हमें स्लो रखना है ताकि मसाले जल ना जाएं। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी वाला, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, दालचीनी पाउडर 1/2 चम्मच, ये ऑप्शनल है, और चिकन करी मसाला 2 चम्मच। कोई भी चिकन करी मसाला आप डाल सकते हैं, चाहे MDH का हो या किसी और ब्रांड का, टेस्ट आ ही जाता है। हमारे प्याज भून गए। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसकी गैस अब हम फ्लेम हाई कर देंगे और इसे, जब तक इसका ऑयल नहीं छूट जाता, तब तक इसे थोड़ा सा कुक करेंगे हम। ये देखिए, हमारे प्याज़ों ने ऑयल छोड़ दिया है और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके हम इसमें प्याज़ों में मिला लेंगे और इन्हें भून लेंगे अच्छे से। इनको हम भूनते रहेंगे और अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च आप इस स्टेज पर डालें तो हरी मिर्चों का टेस्ट बना रहता है। मसाले को अच्छे से भून लें, जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 10 से 12 मिनट लगते हैं हमें ये मसाले को भूनते हुए। देखिए, मसाला हमारा रेडी है, लेकिन अभी हम इसे इसमें पानी डाल के इसे 2 विसल्स दिलवाएंगे प्रेशर कुकर में, ताकि अच्छे से गल जाए और मसाला मोटा ना रहे करी में, क्योंकि हम ये पतली करी वाला चिकन बना रहे हैं, तो इसलिए इसे प्रेशर कुक मसाले को कर लेंगे हम पहले। अब हम इसे लिड क्लोज कर देंगे इसकी और इसमें 2 विसल्स लगवा देंगे। 1 किलो हमने चिकन ले लिया है, अच्छे से इसे वॉश कर लिया है हमने। हमारे विसल्स आ गई हैं मसाले में, आइए खोल कर देखते हैं। देखिए, मसाले का कलर कितना अच्छा आया है और मसाला हमारा पक गया अच्छे से और ये गल भी गया है, ताकि अब हम इस चिकन के साथ भूनेंगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। अब हमें चिकन को अच्छे से भून लेना है। चिकन ऐड करें इसमें। अब यहीं पर मेहनत है, क्योंकि चिकन हमें अच्छे से भूनना है लगातार चलाते हुए, जब तक कि इसमें आपका घी नहीं छूट जाता, साइड्स में ऑयल नहीं आ जाता, तब तक आप चिकन को भूनेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भून लें। इस तरीके से आप इसे चलाएं घुमाकर। बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेकर फिर चलाएं।
और ये आप अच्छे से इसे भून लें। इसका रंग भी अच्छा आ जाएगा और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा और सारे पीसेस में अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाएगा। चिकन हमने अच्छे से भून लिया है, ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आ रहा है धीरे धीरे। इसमें हम एक चम्मच देसी घी की डालेंगे, देसी घी ऊपर से डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसे भून लेंगे और एक से दो मिनट के लिए। अब इसमें नमक नहीं डाला था, नमक ऐड कर लेते हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा क्योंकि हर फैमिली का टेस्ट अलग होता है नमक मिर्च के मामले में। मिर्च भी आप बढ़ा या घटा सकते हैं, आपके टेस्ट के ऊपर है। हमारा चिकन तैयार है बिल्कुल। अब हम इसमें पानी डालेंगे करी बनाने के लिए। पानी हमेशा आप करी में कभी भी डालें, गर्म पानी डालें ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बना रहे और इसका टेस्ट चेंज ना हो। ठंडा पानी डालने से करी का टेस्ट चेंज हो जाता है। पानी हमने इसमें गर्म डाला है, ये देखिए इसमें उबाल अभी बना हुआ है क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला है। अब इसे हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए चिकन हमारा रेडी है, इसे हम चला लेंगे। लीड उठाई है हमने, अब कितना अच्छा कलर आया है और करी भी परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी स्प्रिंकल करेंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही बढ़िया एनहांस हो जाता है। बॉल में ट्रांसफर कर लें इसे, थोड़ा सा देसी घी डाल दें। मुझे पता है देसी घी ज़्यादा डालना पसंद नहीं करते बट इसमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो थोड़ा सा भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी डिश पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।